प्रोग्राम में आप एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप तीनों मेहमानों से, और ब्रीफ इसका मुझे जवाब चाहिए कि ये प्रोग्राम जाहिर है बहुत से ऐसे वालदैन भी देखेंगे जिनके अब जो बच्चे हैं वो किसी भी बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे होंगे, तो आप वो जो वालदैन देख रहे हैं वो अपने बच्चों को किस तरफ पढ़ाई में डालें, अगर वो बिजनेस की स्टडीज के लिए आ रहे हैं तो उनका फोकस किस तरफ होना चाहिए? IBA में तो हम ग्लोबल मैनेजर की तरफ जा रहे हैं, इनको चाइनीज, फ्रेंच और अरबिक पढ़ा रहे हैं ताकि ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ना देखें बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाएं। इनको इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा रहे हैं, इनको इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं। सो आर एम इज टू गेट देम आउट ऑफ पाकिस्तान्स बाउंड्रीज एंड बिकम कंपेरेटिव विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शेयर सर। आई अग्री विद डॉक्टर साहब, जो बात है डूम एंड ग्लूम है भी और नहीं भी है, एंड जिस तरह सरदार साहब ने पहले फरमाया था कि एक रिकवरी हो रही है, बड़ी रैपिड रिकवरी है। अगर आप अपने आप को महदूद ना करें पाकिस्तान की कन्फाइंस में, और अगर यहां रह के भी आप काम करना चाहें तो जो हमारे प्री कंसेप्शन होते हैं, मैं खुद बिजनेस स्कूल का पढ़ा हुआ हूं कि मैं ग्रेजुएट करके ये इस तरह काम करूंगा, थोड़ा एक लेवल उससे नीचे हालात में अपने अगर आप पेरेंट्स भी सोच लें कि मैं फैसलाबाद जाके भी काम करूंगा या मैं सियालकोट जाके भी काम करूंगा या मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करूंगा, स्पोर्टिंग गुड्स में या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो सिखाया जा रहा है बिजनेस स्कूल्स में वो मैनेजमेंट सिखाई जा रही है, चाहे अपना काम करें चाहे आप कहीं नौकरी करें। आई थिंक उसकी अभी भी बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान के अंदर। इफ यू स्टे विद इन पाकिस्तान, अगर रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, पाकिस्तान में काम करना है, देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज विद द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान विच इज अ ग्लोबल इंडस्ट्री बाय द वे। स्पोर्टिंग गुड्स को ले लीजिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, मशीन टूल इंडस्ट्री है गुजरावाला में, इनमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको अभी हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स, वो हमें अपने दायरे में लाना चाहिए। ठीक है जी सरदार साहब, मैं भी एग्जैक्टली यही थॉट कैरी करूंगा आगे कि अगर हम अपनी डेमोग्राफीज को देखें तो पाकिस्तान जो है उसमें प्रीडोमिनेंटली यंग लोगों की पॉपुलेशन है और यूरोप जो है वो एज हो रहा है। दिस इज अ फैक्ट, वी ऑल नो दैट। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड में क्रिएट होंगी, वी जस्ट नीड टू बी रेडी टू कैश दैट अपॉर्चुनिटी। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए एंड मोबिलिटी रखनी चाहिए, दिस इज द थिंग ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं सूरज की तरफ। जी आप, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है, आई एम करंटली फाइनल ईयर MBA स्टूडेंट। इससे पहले मेरा IT का बैकग्राउंड रहा है और मैंने कुछ डिफिकल्टीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप फील की है कि देखिए, एक तो आइडिया ये कि आप एक छोटा सा आइडिया लेते हैं और मतलब एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। कुछ आपके आइडियाज होते हैं जो आप चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाएं, सही है ना? तो मेरे जहन में ऐसे मुख्तलिफ आइडियाज आए और वो कुछ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में है जो मैं बनाना चाहता था बिफोर इवन ज्वाइनिंग टू IBA। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई अब तक वो फंड्स की हुई है, और ऑब्वियसली इफ मतलब आप ग्लोबल लेवल में कोई आइडिया चाहते हैं आइडिया तो ऑब्वियसली बहुत ह्यूज मैसिव इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट के पास में आने से पहले थोड़ी सी फीडबैक चाहूंगा जो उन्होंने कहा। याहू, माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, एमेजोन, दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड देन द आइडिया वॉज पिक्ड अप बाय अदर्स। फिर ऐसी वक्त हुआ कि उनके IPO पे जब लोग गए हैं तो वो ओवरनाइट मल्टी मिलियनर्स बन गए हैं। तो हम ग्लोबल आइडिया को लेके चल नहीं सकते हैं, उसको ग्रेजुअली जब प्रैक्टिकल फील्ड में लेके जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी पता चल जाएगी, फिर पैसे आना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन हम ये कहेंगे जी हमें पहले से कोई बिलियन ऑफ रुपीज दे दे, वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट जी आप पीछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशर आदिल है, आई एम इन माई फाइनल सेमेस्टर ऑफ MBA। जस्ट टू स्मॉल कमेंट्स दैट आई वुड लाइक टू एड। यहां पे बात हुई है अबाउट नॉट बीइंग जॉब फोकस्ड एंड बीइंग एंटरप्रेन्योर फोकस्ड। मैं इस पे बस ये कहना चाहूंगा कि ना एंटरप्रेन्योर फोकस होना चाहिए ना जॉब, देयर शुड बी अ करियर फोकस। और जो शुरू में बात हुई थी अबाउट फियर, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, आई एम गोइंग टू बी कमिंग इन टू द जॉब मार्केट दिस समर एंड आई एम नॉट अफ्रेड। द रिमेन रीजन इज कि मैंने अपने सीनियर से बात की है, अपने टीचर्स से बात की है, अपने वालदैन से भी बात की है, एंड उन्होंने बिल्कुल मुझे एक फ्रेंकली एक बात कही थी कि पहले अगर IBMs को 5 मिलते थे जॉब ऑफर्स तो अब 2 मिलेंगी। तो ऑफर्स आर स्टिल अवेलेबल, यू मे नॉट हैव एज मेनी चॉइसेस एज यू डिड बिफोर बट यू विल हैव ऑप्शंस। द ओनली थिंग इज कि यू शुड नॉट बी एज स्टबर्न टू से कि नहीं मुझे उधर ही काम करना है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं।
ठीक है जी सरदार साहब, यहाँ पे उन्होंने करियर फोकस की बात की, आप डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनका सही है जो ये बात कर रहे हैं? नहीं, वो सही कह रहे हैं। बेसिकली बिजनेस स्कूल्स में तो यही सिखाया जाता है जी कि हाउ टू मेक अ बिजनेस सक्सेसफुल। आप उसमें अपना बिजनेस कर लें या किसी का जॉब कर लें, लेकिन दोनों में थोड़ी सी स्किल्स का डिफरेंस जरूर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा स्किल्स जो जॉब होल्डर के पास जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगा, आप एक इंडस्ट्री फोकस या एक जॉब फोकस पे जब तक हम रहेंगे, सो वी वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद आवर सेल्स टू, फिर हम सिंपली कंप्लेन ही करते रहेंगे। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद अली है और मैं बीबीए एमआईएस 8 का स्टूडेंट हूँ, अभी एल जी एस बी ग्रेजुएटिंग इन 2 मंथ्स। मेरा ये मानना है कि बिकॉज आई हैव अ फाइनेंस मेजर एज वेल, कि आज अगर आप जॉब मार्केट में निकल रहे हैं तो यू कांट सर्वाइव विथ जस्ट वन स्पेशलिटी और वन स्पेशलाइजेशन। यू नो, आपको डाइवर्सिफाई करके रखना होगा। आज से 10 साल पहले अगर कोई फाइनेंस करके निकलता था तो हो सकता है उसको एक लंबी लाइन मिल जाती थी, उसका एक करियर बन जाता था। मगर आज कोई बंदा फाइनेंस करके निकले तो उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो फाइनेंस में ही रहेगा। एंड देन अडेप्टेबिलिटी इज अ की, कि आप अपने आप को जो है वो एक न्यू सिचुएशन में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं और वहां कैसे सक्सीड हो सकते हैं। जी जी, आप जी। मेरा नाम साद वड़ाइश है और मैं एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैंने बैचलर्स भी आईबीए से किया था 2006 में। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन पीआर इंडस्ट्री, आई वर्क फॉर अबाउट 2 ईयर्स। मेरा कंसर्न यह है कि अगर मैं एमबीए करने के लिए वापस ना आता और कंटिन्यू करता तो मैं उसी जॉब में चलता रहता, बिकॉज आई वॉज सॉर्ट ऑफ गेटिंग लेबल्ड। दिस इज द सेम प्रॉब्लम दैट वन ऑफ अनदर ऑफ माई फ्रेंड्स हैज, ही वॉज वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री इन टेलीकॉम, ही हैड द सेम कंसर्न, ही टू केम बैक फॉर एमबीए। जॉब के दौरान मैंने ये रियलाइज किया कि मैं फाइनेंस में शायद ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकता हूं। तो उस अगर मैं एमबीए के लिए नहीं आता तो मैं अपना मेजर चेंज नहीं कर सकता था, तो इसलिए भी एक ये वजह। तो अब मेरा सवाल यह है कि इस चीज को कैसे कोप किया जाए। आजकल की दुनिया इससे बहुत आगे चली गई है। अब तो वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वो माइक्रो ये जो केमिस्ट हैं उनको मार्केटिंग में रख रहे हैं इन कंपनीज। वी हैव हर्ड ऑफ सो मेनी सक्सेसफुल पीपल मैनेजर्स हु एक्चुअली केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट फील्ड। तो ये एक नया ट्रेंड है जो स्टार्ट हो रहा है। तो इससे कभी ना घबराएं कि आपको अगर एक अच्छा चीज ऑफर हो रही है लेकिन आपके उस वक्त मतलब की नहीं है, यू कैन ऑलवेज चेंज टूवर्ड्स दैट साइड। आपको वही कंपनी अपॉर्चुनिटी दे देगी या कहीं आपको और अपॉर्चुनिटी दे दी मिल जाएगी। तो ये इतना ज्यादा आजकल इशू नहीं रहा, एक जमाने में जरूर होता था। ओके, चलो यहां पर एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आके हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम में।